अरे भाई ये डेट बताया करो ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो क्या? हम अभी फाइल खोल नहीं रहे हैं, तुम शुरू हो गए, यही तो प्रॉब्लम है। तुम वकील लोग यहाँ पे बिना फ्रीक्वेंसी मिलाए बहस करते हो, जैसे हद होती है। हम फाइल खोल रहे हैं, आप शुरू हो गए, चलिए पढ़िए। किडनैप क्या किया हुआ, आपकी हरकतें ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं उसके। पढ़िए क्या है केस, आप कब से घटना कब की है? ग्यारह जुलाई 2013। आप कस्टडी में कब से हैं? सर मैं कस्टडी में हूँ 12/7/13 से, 12 जुलाई 13 है, 12 जुलाई 13 में। ऑफेंस 302/34 में, 302। आपने आदमी को ही मार दिया, ये भी तरीका है भाई, ठीक है। तो आदमी है गांव में से हमारी वाइफ को भगा के ले गया। अरे तो इसका मतलब ये गोली मार दो, और लोग भी थे, मतलब हमारा तो एक्ट बताया है, और लोग भी थे। आप ही की वजह से घटना घटी, बेल उसकी बेल भी होनी इसमें नहीं, वो तो हो गई है, लेकिन आप गोली तो आपने चलाई नहीं, गोली का नहीं है। हाँ क्या है भाई, एक्सेस एंड लाठी। हाँ लाठी, लाठी इतनी नाराज की लाठी से मार डाला उसको, लाठी से मारवा तो बेल पर। रेड विथ क्या है? 34। बाकी बेल मिल गया, सिंगाराम को, सुदाता राम को मिल गया। और कितने लोग थे? 3 थे टोटल, एक माइनर था मनीष, हाँ। तीन में से एक को बेल मिली। तो दाता राम खिलाफ क्या एलिगेशन था? लाठी से मारना था, फ्रैक्चर। और आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ लाठी से। फिर अभी जो हमने गलत नहीं बोला, आपकी आपकी ही चोट से मरा है वो, और सर में मारा है आपने, इनकी पत्नी को ले गया था, हैं? चोट तो बताया, इनसाइड वुंड बताया। तब इन सर में इनसाइड वुंड पूरा भेजा बाहर आ गया उसका। देखिए आप, डॉक्टर ने लिखा पूरा भेजा बाहर आ गया उसका, हम लोग पढ़ के आते हैं पूरा मुकदमा, ऐसा नहीं है आप सोचते हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। कितना घुमाओगे हम लोगों को? ये तो वो नानावती वाला केस हुआ। हाँ क्यों, सुने हो नानावती केस के बारे में? सुना है, मतलब अभी। कब सुना, कब सुना? कब, 2-4 साल पहले? नहीं एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, मालूम ये नानावती कौन था? मूवमेंट आई को ना। तो केस क्या सुना आपने? कुछ सम सीरियस हीनस ऑफेंस हुआ था ऐसा। नहीं मतलब इतना फेंको कि हम लोग पकड़ ना पाओ। मारो अब आपने वेग शेड पर निर्णय, कुछ हीनियस क्राइम हुआ था, क्या हीनियस क्राइम हुआ था, कब की घटना है वो? नहीं मालूम एग्जैक्ट। तब कब से वकालत कर रहे हो? हो गया लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल की वकालत, अभी तक आपने नानावती का मुकदमा नहीं सुना? फेमस केस, फेमस ट्रायल ऑफ नानावती, मालूम बॉम्बे में हुआ था, मालूम नहीं पता आपको? जाओ पढ़ के आओ उसको, पहले कुछ शायद मिल जाए उसमें से तुमको कुछ। तो अभी बेल तो दे दो आज, फिर देखा जाएगा आगे। चलो पढ़ो क्या प्रोसिक्यूशन का केस। पढ़ो पढ़िए। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अभियोजन के अनुसार घटना के 5-6 वर्ष पूर्व अजोक सुरेश की पत्नी शीला मृतक मेहता के साथ चली गई थी। इस कारण अजोक पक्ष मृतक मेहताब सिंह के बीच शत्रुता थी। मृतक मेहताब सिंह 5-6 वर्ष से ग्राम बड़ेरा से बाहर निवासरत था। दिनांक 11/7/13 को रामचंद्र की पौत्री का विवाह होना था, जिसमें विवाह जिसमें मेहताब सिंह सम्मिलित होने आया था। बारात प्राथमिक महाविद्यालय ग्राम बड़ेरा बुजुर्ग में ठहरी हुई थी। दिनांक 11/12/2013 की मद्रास 12 बजे के बीच जगराम मृतक मेहताब से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। जब वह प्राथमिक विद्यालय ग्राम बड़ेरा बुजुर्ग के सामने पहुंचा, तभी अभियुक्त सुरेश सिंगाराम पुलारी दाताराम का एक अन्य व्यक्ति एक अन्य साथियों से मारपीट कर रहे सुसज्जित होकर वहाँ आ गए था। उनके द्वारा मृतक मेहताब से शीला के संबंध पूछताछ करने के बाद उसकी लाठियों कुलाड़ियों से मारपीट कर हत्या कर दी। जगराम के चिल्लाने पर हाकिम रघुनाथ शायद अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंच गए। मेहताब सिंह घटनास्थल पर मृत्यु हुई।
रात ही होने और भय के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट पारा साहब को सदर पर लिख कराएगी। मृतक का सब पंचनाम बनाया गया, सब परीक्षण के लिए भेजा, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाकर। क्या नाम है आपका? मैं मारो सुरेश। सुरेश मारो पत्नी। 17 चोटें हैं, मतलब चुन चुन के मारा आपने उसको, पूरी बॉडी छलनी कर दी आपने। अब आप बताइए, इतना ग्रूसम मर्डर है जो हमने शुरू में कहा था, अब आप बोले ऐसा नहीं है। 17 इंजरीज ऑन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। 14 बताया, 14 इंजरी बताया, 17 एज पर मेडिकल रिपोर्ट पेपर बुक पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 ऑफ द पेपर बुक 14 ही मान लीजिए। 14 ही मान लीजिए, 14 कम है तो मतलब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि यू शुड अंडर गो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ना जी, जगराम मृतक मेहताब से मुलाकात करने जा रहा था तब वह प्राथमिक विद्यालय ग्राम बड़ेरा बुजुर्ग के सामने पहुंचा, तभी अभियुक्त सुरेश, आप ही तो हैं सुरेश, वह छिंगाराम कुल्हाड़ी, दाताराम तथा एक अनभियुक्त मनीष लाठियों से सुचित होकर वहां आ पहुंचे। उनके द्वारा मृतक मेहताब शीला के संबंध में पूछताछ करने के पश्चात उसकी लाठियों कुल्हाड़ियों से मारपीट हत्या कर दी। लाठी वालों को बेल भी, हाँ लाठी को दे दी, वो भी नहीं मिलना चाहिए कायदे से, लेकिन सिंगा के अभी खारिज किया, वही मुझे लग रहा है कि आ चुका है मेरे पास कोई बीच में। फरवरी में लॉर्डशिप एडिक्ट है, इसको अभी कितने दिन हुए हैं सर? काफी टाइम हुआ, मतलब ये कितना 13 से कस्टडी में, एग्जैक्ट कस्टडी है 13 12 7 13 7 10 साल हुआ है, 10 साल पूरा काम हुआ, 10 पूरा हो गया क्या? 10 साल पूरा नहीं, लगभग 10 के पहले का तो कोई केस ही नहीं है, 9 साल 10 पहले का। कन्वर्जन करने में तकलीफ आएगी हम लोगों को, तो ऐसा भी नहीं है कि आप ये शायर पे मारा हो, आपने ही मारा है उसको, कुलाड़ी तो कुलाड़ी से मारा है आपने, तुमको ये तो पता नहीं नानावती केस कब हुआ था। हाँ पढ़ के आओ कायदे से उसको, क्या केस था वो, और समझाओ क्या फैक्ट्स थे उसके। अब इसको विड्रॉ कर लो, इसको नहीं नहीं विड्रॉ, जो भी बात देखा जाएगा, चलो विड्रॉ अपड़ के आना अगली बार जाओ।